सुवर्णा न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ गुलबर्गा शहर में FIR कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान की लीडरशिप में अजीत नामी सुवर्णा न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में केस बुक किया गया है। इस मौके पर नईम खान और लाल अहमद सेठ ने कहा, सुवर्णा न्यूज चैनल के एंकर ने 9 मई को इलेक्शन के दौरान हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के वीडियो के जरिए हिंदू पॉपुलेशन की तरफ इंडियन फ्लैग और मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ पाकिस्तान का फ्लैग इस्तेमाल कर इंडियन मुस्लिम को पाकिस्तानी बनाने की उन्होंने कोशिश की है। अजीत नामी न्यूज एंकर ने 1950 से लेकर 2015 तक हिंदू के मुकाबले मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने का दावा कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। सुवर्णा न्यूज चैनल के जरिए इस तरह की हरकत कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये चैनल बीजेपी यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर का है और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस चैनल के जरिए हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन इस बार जो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान का फ्लैग इस्तेमाल किया गया है, ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और कर्नाटका के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में सुवर्णा न्यूज चैनल के खिलाफ केस बुक किए जा रहे हैं। और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान की सदारत में अजीत नामी सुवर्णा न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ FIR कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया है। इस मौके पर नईम खान के साथ लाल अहमद सेठ और दीगर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज स्टेशन बाजार पोस्ट स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज की गई है। उस कंप्लेंट करने का अहम मकसद हमारा ये था कि यहाँ पे तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग आकर यहाँ पे कंप्लेंट दिए हैं। बेंगलोर से एक चैनल है सुवर्णा न्यूज़, वो उसका एक एंकर है अजीत, जो 1950 से आज तक का जो है ना पॉपुलेशन बताते हुए अपने टीवी चैनल में जो है ना हिंदुस्तान के तरफ जो है ना हिंदुस्तान के झंडे की तरफ हिंदू का पॉपुलेशन बताता है और मुसलमानों का पॉपुलेशन जो बता रहा है वहाँ पे जो है ना पाकिस्तान का लोगो जो है ना बताता है। तो इसके जहन में ये अजीत जो एंकर है सुवर्णा न्यूज़ का, उसके जहन में कितना जहर भरा है ये उन बता दिया है। तो मैं यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील कर रहा हूँ और FIR करे हैं उसके नाम पर कि ऐसे कम्युनल जहन रखने वाले एंकरों को ये टीवी चैनल से जो है ना निकाल फेंकना है। कर्नाटक में एक अमन शांति है, हिंदुस्तान भर में एक अमन शांति है, ऐसे एंकरों की वजह से पूरा जहर फैले हुआ है हिंदुस्तान भर में। आज उसी पे जो है ना हम खास करके हम तमाम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उसकी सख्त मजम्मत करते हुए यहाँ पे उसके नाम पे FIR किए हैं। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि ऐसे एंकरों को जो है ना चैनल से निकाल फेंके और ऐसे चैनल पे बैन लगाए और उन पर ऐसे चार्ज लगाए वो दोबारा जो है ना दूसरा कोई चैनल वाला करने की हिम्मत ना करें। आज स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन में माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की क़यादत में तमाम माइनॉरिटी बॉडी के लोग और कार्यकर्ता कांग्रेस के स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन में सुवर्णा टीवी चैनल का एंकर अजीत हनुमंतप्पा नाम के एक एंकर के जो है खिलाफ आज यहां पे FIR कराए हैं। इसलिए कि 9 तारीख शाम 8 बजे जो रिले होता है पब्लिश हुआ है चैनल से कि मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन का जो है एक फिगर डाल के और मुस्लिम पॉपुलेशन के तरफ जो है पाकिस्तान का झंडा बताकर और हिंदू पॉपुलेशन के तरफ हिंदुस्तान का झंडा बताकर इस तरीके से जो है लोगों में और स्टेट में नहीं बल्कि देश में जहर फैलाने का काम किया है, नफरत पैदा करने का काम किया है। लिहाजा हम ये FIR कराने की वजह यह है कि अमन और शांति का देश है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त जो है सरकार एक्शन लेनी चाहिए और इसको टीवी चैनल से हटाने का जो है हम लोग डिमांड करते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।